देवघर बाबा और पार्वती मंदिर का उतारा गया पंचशूल, पंचशूल स्पर्श के लिए उमड़े श्रद्धालु। देवघर की प्राचीन परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि के दो दिन पूर्व विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम स्थित भगवान भोलेनाथ और पार्वती मंदिर का पंचशूल रविवार दोपहर सफाई के लिए उतारा गया। ज्ञात हो कि इस साल महाशिवरात्रि पर्व 1 मार्च के दिन है। अब सोमवार के दिन इस पंचशूल को सरदार पंडा के द्वारा विशेष पूजा के बाद सभी मंदिर के शिखर लगाया जाएगा। इस मौके पर देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि शिवरात्रि को लेकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है और भक्तों को सुगम जल अर्पण के लिए सभी व्यवस्थाएं दी जाएगी। आज शिव पार्वती का मंदिर का जो पंचशूल नीचे उतारा गया और कल विधि विधान के माध्यम से इसका पूजा करते हुए फिर सभी मंदिरों के ऊपर इनको प्रतिष्ठापन किया जाएगा। और इस साल महाशिवरात्रि के 1 मार्च को जो शुरू होगा उसके लिए हम लोगों ने पक्का इंतजाम किया, खासकर सब अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी मंगवाया गया है और मैजिस्ट्रेट्स को भी सभी जगह हम लोग डिप्यूट किए हैं। और बहुत पहले से हम लोग जिला प्रशासन सभी विभाग से समन्वय करते हुए हैं, स्वास्थ्य का हो या स्वच्छता का हो, शौचालय का और बिजली का, हर तरह का हम लोगों ने पहले ही सारा प्रिपरेशन कर चुके हैं और कंप्लीट रूट लाइन भी जो है सैनिटाइज्ड है और वहाँ किसी तरह का भी कोई भीड़ का समस्या नहीं हो और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो और उसको हम लोगों ने विशेष ध्यान में रखे हैं। और हम लोग लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं को आने की उम्मीद कर रहे हैं, तो उन सभी लोग आएंगे और जलार्पण सुगमता से करते हुए अपने वापस चले जाएंगे। वहीं देवघर एसपी धनंजय कुमार सिंह ने कहा कि 3000 से ज्यादा पुलिस पदाधिकारी और जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया है। पहला जो हमारी मंदिर ड्यूटी है इसमें बाह्य बल हमें पर्याप्त संख्या में मिले हैं और दूसरा दिनांक 28 और 1 को काफ़ी महानुभाव आ रहे हैं, इसलिए वीआईपी सिक्योरिटी के लिए भी हमारे इंतजाम किए गए और मंदिर रूट लाइनिंग ये सारी सुरक्षा कर ली गई है। 28 तारीख से ड्यूटी प्रारंभ हो जाएगी, कल ब्रीफिंग हुई है। प्रबंधक रमेश परिहस ने कहा कि इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुँचते हैं।